वेतन विसंगतियों को दूर करने की मांग को लेकर एनएचएम कर्मचारी हड़ताल पर हैं और आज हड़ताल के दूसरे दिन भी कर्मचारी काम छोड़कर नागरिक अस्पताल में धरना प्रदर्शन करते रहे। कर्मचारियों का कहना है कि सरकार ने वेतन देने में भेदभाव किया है, इसलिए उनकी मांग की वेतन विसंगतियों को दूर किया जाए और जब तक सरकार ऐसा नहीं करती उनका धरना जारी रहेगा। जिला प्रधान पंकज यादव का कहना है कि आगामी रणनीति बैठक करके बनाई जाएगी। दूसरा दिन हड़ताल का, आज हमारा दूसरा दिन, आज हमारी राज्यव्यापी हड़ताल है। पूरे हरियाणा के अंदर सभी एनएचएम कर्मचारी हड़ताल पर है और सभी स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित हो रही है। सरकार से अभी कोई बातचीत का बुलावा आया नहीं है। हमारी राज्य कमेटी जो निर्णय लेगी, आंदोलन को किस रूप से आगे बढ़ाती है, उसी प्रकार से हम जिला की कमेटी उसका निर्णय लेगी। हमारी मुख्य मांग सेवा नियमों में संशोधन की है। हमारे सेवा नियम जो 1 जनवरी 2018 से लागू हुए थे उनमें संशोधन नहीं हो पाए। बहुत सी कैटेगरियों के साथ भेदभाव हुआ, उनका वेतनमान कम लगा है और हमारे सातवां वेतनमान जो सर शिक्षा अभियान की तर्ज पे हमारे सेवा नियम लागू किए गए थे वो उनको मिल गया है, लेकिन हम पे एनएचएम कर्मचारियों पे वो अभी तक लागू नहीं किया गया है। तो उसकी भी हम मांग करते हैं सरकार से, वो जल्द से जल्द हमें सातवां वेतन आयोग भी दिया जाए। कितने कर्मचारी अपने रेवाड़ी जिले में एनएचएम के? 415 कर्मचारी रेवाड़ी जिले में एनएचएम के हैं, जिसमें से लगभग सभी कर्मचारी हड़ताल पर हैं। छोटी छोटी आंखें कितने सपने देखती हैं, भला किसे हक है इन्हें रोकने का। कितना आसान सफर है ये, बस मेहनत ही तो शर्त है। शुक्र है तेरा जो तू हर कदम साथ रहा। कितने और थे यहां मगर तू ही खास रहा। तूने ही खुद को खुदी से मिलवाया। मुझे फख्र है इस बात का, जहां बात चली परिणाम की, जिक्र सिर्फ तेरा आया। यदुवंशी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस आजा तेरी शख्सियत को पहचान बनाते हैं, तुझे तेरी बंसीलों से मिलवाते हैं।